लखीमपुर के जो घटना हुई है जिस दे विच कई किसान शहीद होए ने उसनू लैके देश भर के किसानों के गुस्सा पाया जा रहा है। तो अज संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के उत्ते धरने चल रहे हैं पूरे पंजाब दे विच, पूरे देश दे विच डिप्टी कमिश्नर दे ते लगभग जिहड़ा दुपहर का समा हो चुका है। तस्वीर दिखा रहे तुहानू, यह धरना डिप्टी दफ्तर दे मूहरे चल रहा, रोपड़ डिप्टी दफ्तर कमिश्नर के मूहरे जिहड़ा धरना लग्या होया, पुलिस प्रशासन भी तैनात ने। सो किसान आगू भी इत्थे बैठे ने, गल करदे इहनां दे नाल किहड़ियां मंगां नूं लै के धरना लगाया गया, की कुछ कहना है। की नाम है जी? मेरा नाम रेशम सिंह बडाली है जी, भारतीय किसान यूनियन कादिया तो जिला प्रधान रोपड़। सर, यह धरना लगाया गया, हुण मंग किहड़ी, मुख मंग की रख रही है किसान यूनियन इस मसले नूं लैके? जिहड़ा कल यूपी दे विच वरते आए वो एक केंद्रीय मंत्री मिश्रा जी का बेटा सी, अते साड़ी तां मंग इही है वी जिन्हां कातलां वल्लों एक कारनामा किया गया उन्होंने फांसी लगनी चाहिए है, और परिवार को भी बनती सहायता, चाहे उन्होंने सरकारी नौकरी भी मिले तो नाल 50,000 लाख रुपया देना बनता कानून तौर पर। अच्छा, नहीं जिस मंत्री की गल कर रहे तुसी, केंद्रीय मंत्री, उसका बयान आया वो कहिंदे ना तो मैं सी ना मेरा बेटा सी मौके पर। तो कई चैनलों वालों खबर चलाई जा रही भी किसानों ने जिहड़ा हैगा गड्डी फूकती, बीजेपी के वर्कर जिहड़े मारते, कुट कुट के मार दिते। जदों केंद्रीय मंत्री ने आना सी, लेकिन उन्होंने पहले दो दिन पहले तुसी इंटरव्यू देखो, उन्होंने आख्या सी भी मैं खुद आ रहा यूपी दे विच, जे किसान अपने जिहड़े हक मंग रहे वो मेरे सामने आके देखण। ते दूजे पासे अज बीजेपी का एक गुंडा सीएम खट्टर देख लो, उसका बयान देखो, उन्हें वो आख रहा है भी हाँ तुसी डंडे रखो तो किसानों नू मारो कुटो, इस तरह दी मेरे ख्याल च बयान वो दे रहा है। तो हुण असी कह रहे हैं समूह समाज नू भी वीरो अज जागण का समा है। अज डॉक्टर इकबाल जी दीआं लाइनां सानू बार बार चेते आउंदियां है भी मुद्दे गुजरी हैं, जुल्मों सितम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहती हुई है। कि साडा कसूर थी 47 दे विच साडा 10 लाख शहीद होया, चाहे वह लहिंदे पंजाब के वासी सन, चढ़ते पंजाब के वासी सन, उस तो 78 उस तो बाद 84 ते अज साडे नाल, अज असी लड़ाई की लड़ रहे हैं, अज असी देश का एक ढांचा बचाउण की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जिहड़ी इकोनमी है उसनू बचा रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समूह समाज की असी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पासे बार्डर से साडे वीर इस देश नू बचाउण लई लड़ रहे हैं, दूजे पासे जिहड़े असी लोक हैं इस देश का जिहड़ा फूड भंडारना एक हर एक इंसान की रोटी बचाउण की गल कर रहे हैं। सो सानू निर्दयी सरकार, हिटलर शाही तानाशाही सरकार सानू मार रही है इस टाइम, क्योंकि 11 मीटिंगां ते सरकार हार चुकी है। जदों कोई इंसान हार जाता है, हार मान लैंदा है, फिर उस तो बाद उहदा अगला टीचा रहिंदा है किसी तरह नाल इन अंदोलन नू हिंसक बनाया जाए। सो जिहड़ी सरकार है सानू हिंसक रूप देना चाहुंदी है। सो असीं अज भी शांतिपूर्वक रहना है अते इन्हां जबर दा मुकाबला सबर नाल डट करना। इस घटना तो बाद कई सियासी पार्टियां दे लीडर उन्हां परिवारां दे नाल दुख सांझा करन दे लई गए सी, जिन्हां दे परिवारां दे किसानां दे परिवार किसान शहीद होए ने। उस तो अलावा किसान यूनियन भी जा रही हैं, लोग लीडर जा रहे हैं, परंतु बॉर्डर जिहड़े हैगे सील किए गए यूपी दे, इंटरनेट बंद कर दिता गया, दफा 144 लगाई गई है, किवें देखदे सुनो तुसीं? ये तो तुहानू तुसीं आप मीडिया कर्मी का असीं धन्नवाद करते हैं, जिहड़े मीडिया परसन जिहड़े अज तक रहे जिहड़ी आवाज़ नूं देश देश दे कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो किया, चाहे उत्थे इंटरनेट बंद किया, सरहदा नूं बंद किया, क्यों किया? क्योंकि उत्थे कानून नाम की चीज़ नहीं कोई रही। अज लोकतंत्र वाकई खतरे के विच है, जे सुहिरद है कोई जज साहबान जिहड़े वाकई कानून पालका च विश्वास रखते हैं, मेरे ख्याल से उत्थों की सरकार नूं बर्खास्त करना चाहिए जल्दी तो जल्दी, उन्हां लोकां नूं जरूर सज़ा बनती देनी चाहिए है, और सरकारां चाहे लख जोर ला लेन, क्योंकि ये जन अंदोलन बन चुका है, ये उन्हां लोकां दी आवाज़ है जिहड़े लोग वाकई वफादार हैं देश प्रति। सो उन्हां लोकां ने दबना नहीं, चाहे सानू लख बार्डर ला लेन, जिहड़े अज उन्हां दा हाल चाल पुछण गए सियासी लोग, असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करदे हां, लेकिन सियासियां नूं भी साडी बेनती है जे तुसीं वाकई हमदर्दी प्रगट करदे हो ता इन्हां कानूनां प्रति, और जिहड़ी हिटलरशाही सरकार है इस प्रति रोस व्यक्त करते हुए संसद के मूहरे बैठो जां उन्हां दे घरां दे अगे बैठ के तुसीं धरने दो। घटना दे विच किसान भी शहीद होए ने, इस तों इलावा कुछ जिहड़ा दस्सिया जा रहा कि बीजेपी दे वर्कर या ड्राइवर भी जिहड़े हैगे आ घटना विच मारे गए ने, वजह की मानते हो उस घटना के कोई भी मारिया गया, जिस भी परिवार का जी गया वो सब के लिए जान एक बराबर होंगी सारे की?
वजह की मानते हो, असल जड़ की है ये सारी घटना के पिछे, जो भी हो रहा जिन्हें 700 किसान शहीद, वजह की है, कौन जिम्मेवार है? वजह इस दे पिछे ये है जी, देखो लगातार असी साल एक साल तो शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। 11 मीटिंगां दे विच जदों गलबात दे विच सरकार हार चुकी है, जदों सरकार हार महसूस कर रही है, सरकार कोई चारा नहीं देख रही बचण दा, तां सरकार ने एक टेढ़ा रास्ता अख्तियार किया किसी तरीके दे नाल, जिहड़े साडे भरा है शांतिपूर्वक, क्योंकि असीं प्रोटेस्ट करते हैं अपना शांतिपूर्वक करते हैं, उत्थों दी सरकार ने सब गुंडा राज बनाया, उत्थों गुंडागर्दी की है, चाहे कोई दूजे वीर चढ़ाई कर गए, हुण देखो किसी परिवार का भी जी गया, सानू उसका दुख है, लेकिन जे सरकार नाम की चीज़ नहीं रही उत्थे, ता ही उस मंत्री के बेटे ने आके गड्डी चढ़ाई, गोली सिर दे विच मारी गई, गोलियां कित्थों बच गईयां? सरकार दे ही उन्होंने, प्रशासन ने मारियां, सरकार ने मारियां, होर तां किसी ने मारियां, सारी वजह ही इत्थे भी RSS आर कारपोरेट अदारे देश नूं चला रहे, इस टाइम देश दा बचण दा भी कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा, जे अज लोक ना अज दा जिहड़ा धरना है की मंग नूं लैके धरना लगाया होया, की मंग करदे हो घटना नूं लैके? अज असीं धरना लाया सी, यूपी दा जिन्ना भी साडा किसान भाईचारा सी उन्हां दे नाल खड़े हां, सानू हदायतां सन, दूर पेंडा सी, असीं इन्नी छेती नहीं सी जा सकते, सो असीं अज DC साहबान दफ्तरां अगे अज मंग रखी है, धरना लाया भी उन्हां लोकां नूं फांसी दित्ती जावे जिन्हां दे जिन्हां ने सब कुछ कीता, बनदी कार्रवाई की जावे अते परिवार नूं बनदा मुआवजा मिले ते उन्हां नूं सरकारी नौकरी भी मिले, परिवार दे की दो चीज़ां। सो बिल्कुल रूपनगर दे विच धरना लगाया गया डिप्टी दफ्तर दे अगे, किसान जो लखीमपुर दे विच शहीद होए ने उन्हां दे हक दे विच ते BJP दे विरोध दे विच इह धरना लगाया, ते मंग कीती जा रही है किसानां दे वल्लों कि जिन्हां दी वजह दे नाल इह सारा वापरी है घटना और जाना गईयां, उन्हां दे खिलाफ़ बनदी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहीदी है, ते बनदा मुआवजा जिहड़ा हैगा पीड़ित परिवारां नूं देना चाहीदा, ते किसानां ने ऐलान भी कीता कि अगर BJP ने हाले भी काले कानून रद्द नहीं किए या देश के किसानों नूं सताना बंद ना किया तो भविष्य के विच किसान होर तिखा संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी, लिविंग इंडिया न्यूज़।